शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज प्रेस वार्ता में डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड के अगेंस्ट जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल और ख़ास तौर पर जो CBSE स्कूल हैं उन्होंने खूब लूट मचा रखी है, बच्चों की वर्दियों से लेकर किताबों से लेकर और स्कूल की फीस जो है काफ़ी ऊपर बढ़ाकर रखी हुई है। जबकि डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड में 2011 में जो है इनकी बेंच हुई थी उसमें कोर्ट का ऑर्डर था कि 10% से जो है अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आज आपने देखा होगा कि खुली लूट मची हुई है, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, स्कूल एजुकेशन बोर्ड को तो वो देखते तक नहीं। और आपने पीछे देखा होगा कि किसी इंटरनेशनल स्कूल में अभी 2-3 दिन की बात है कि एडवांस फीसें चल रही हैं CBSE स्कूल में, एडवांस फीसें लेने के बावजूद भी अगर बच्चों का कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है पूरे स्कूल में, उनके गाइस जो है कार्ड निकाले जाते हैं, रेड कार्ड दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चों को क्या सरकारी नौकरी दे रखी है इन्होंने जो रेड कार्ड देने हैं उनको, स्कूल वालों ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए स्कूल जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। जब स्कूल बच्चा चले जाता है तो जिम्मेवारी जो है स्कूल की होती है ना कि माँ बाप की होती है, स्कूल में कोई भी हरकत होती है तो जिम्मेवारी स्कूल की है ना कि बच्चों के माँ बाप की, ये उल्टा बच्चों के माँ बाप को जो है प्रताड़ित करते हैं, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। अगर माँ बाप ने बच्चे आपके पास पढ़ाने भेजे हैं तो किस लिए भेजे हुए हैं, ताकि बच्चों में सुधार हो सके, उनकी जीवन शैली जो है चेंज हो सके स्कूल में जाकर, अगर आपने उनको प्रताड़ित करना है तो फिर स्कूल जाने का फ़ायदा क्या है। हम डायरेक्टर एजुकेशन से और डिप कॉम से एक प्रार्थना करते हैं कि भाई इनके ऊपर अगेंस्ट जो है एक एक्शन लें इन स्कूलों के खिलाफ, खास तौर पर जो है किसी इंटरनेशनल स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसको एक उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए जल्द से जल्द, जिस प्रकार उसने उस बच्चे को जो एक फौज में है उसकी पिताजी थे बच्चे के और उसके शहीद होने के बाद उसको जो बच्चा है उसका बच्चा जो दाखिल हुआ हुआ है स्कूल उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार हमने मीडिया के थ्रू भी देखा और उधर जाकर भी देखा कि ये बहुत ही गलत सिस्टम बना रखा है प्राइवेट स्कूलों में, इससे सख्ती होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट जहाँ जो डिप काम है उनके हाथ में ये नहीं है तो शिवसेना जो है अपने तरीके से फिर जो है इन स्कूलों को सीधा करेगी, जिस प्रकार हमने 2011 में इनको सीधा किया था उसी प्रकार से फिर जो है इन स्कूलों के बाहर जाकर जो है प्रदर्शन होंगे और उसकी जिम्मेदारी जो है पूरी सरकार की, और यहाँ तक कि LG साहब भी इसमें जो है इंटरफेयर करें तभी जो सुधार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।